हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जनरल एग्जाम डिपार्टमेंट में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि DRDO September 10 का वैकेंसी ऑलरेडी आ गया है दोस्तों। तो आपको ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि DRDO दो CVT लेता है, दो एग्ज़ाम लेता है, एक Tier 1 एंड एक Tier 2। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं Tier 1 के बारे में कि Tier 1 का क्या सिलेबस रहेगा, क्या नहीं रहेगा, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। फुल सिलेबस हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी STAB यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, टेक्नीशियन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर मौका मिलेगा तो नेक्स्ट अलग एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि टेक्नीशियन का क्या सिलेबस रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग ओनली STAB के बारे में ही बात करेंगे, DRDO, ठीक है। तो जो लोग अभी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो वो लोग अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ओनली STAB के बारे में ही बात करेंगे, फुल सिलेबस, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा, नहीं रहेगा, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कहाँ से क्या आएगा, क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा, ठीक है, सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लास्ट तक वीडियो आप देखिए, बिना स्किप किए आपका पूरा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैं पहले बता देता हूँ कि एग्ज़ाम मोड जो है ये होगा ऑनलाइन CVT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं रहेगा, यानी कोई भी क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर करते हो तो उसके लिए कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन रहेगा 120 मार्क्स का ही रहेगा, यानी इस क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। और सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों MCQ टाइप का रहेगा। टोटल टाइम आपका रहेगा 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। उसमें आपको 120 क्वेश्चन का आंसर करना है। लैंग्वेज जो है दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा। आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हो तो आप इंग्लिश में आंसर कर सकते हो, और आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हो तो आप हिंदी का भी क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर कर सकते हो। वैसे सारा क्वेश्चन तो MCQ टाइप का ही रहेगा, आपको उसमें भरना है। और क्वेश्चन लेवल जो है दोस्तों ये जनरली CVT 1 के लिए ईजी ही आता है, ठीक है। CVT 1 के लिए ये जनरली ईजी आता है, और 10th 11 लेवल का क्वेश्चन आता है, जनरली 10th लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, 10th का सारा चीज़ आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। कट ऑफ मार्क्स जो है दोस्तों ये ऑफिशियल साइट में भी दिया हुआ है, लेकिन इससे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कहना चाहते हो, अगर आप मानना चाहते हो तो आप मान सकते हो कि 40% रहता है अनरिजर्व्ड एंड OBC के लिए, 30% रहता है SC ST के लिए। लेकिन हम लोग देखे हैं लास्ट 5-6 साल से कि 40% से कहीं ज़्यादा रहता है कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। ये बस एक मिनिमम मार्क्स दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट में, लेकिन प्रैक्टिकली इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, टोटल आपका सिलेबस जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से टोटल 25 मार्क्स आएगा, 25 मार्क्स रहेगा टोटल। आपको मैं बताया हूँ कि 120 रहेगा टोटल मार्क्स, तो उसमें से 25 मार्क्स जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग दोनों मिला के आपको 25 मार्क्स आएगा। जनरल अवेयरनेस आएगा 30 मार्क्स, इसमें आपको बढ़िया से ध्यान देना है। जनरल अवेयरनेस यानी GK जनरल नॉलेज के ऊपर 30 मार्क्स आएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी 20 मार्क्स एंड जनरल साइंस के लिए 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये ऑफिशियल तो है नहीं, ये हम बता रहे हैं लास्ट कुछ 5-6 साल का एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हुए हम बताए हैं आपको। ये हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी से आपको 25 क्वेश्चन ही मिलेगा। हो सकता है वहाँ से आपको 20 मिल जाए, जनरल अवेयरनेस से आपको 25 मिल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के जो है लगभग आप बोल सकते हो कि पैटर्न इसी टाइप का रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है सेक्शन वाइज यहाँ पे
कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करता है सेक्शन वाइज, मतलब आपको हर सेक्शन में पास करना पड़ेगा। मान लो टोटल कट ऑफ मार्क्स गया मान लो 80 मार्क्स, ठीक है सपोज, तो आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस चार मिला करके आपका हो गया मान लीजिए 80 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज में आप पास नहीं कर पाए, यानी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं कर पाए, आप इंग्लिश लैंग्वेज में फेल हो गए। तो चाहे आपका मार्क्स 80 आए 90 आए फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको हर सेक्शन में पास करना पड़ेगा इंडिविजुअली, ठीक है। उसके बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी का ऊपर 25 मार्क्स आएगा टोटल, तो इसमें टोटल आपका सिलेबस रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, आपको ऑलरेडी पता है मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, HCM एंड LCM टाइम एंड वर्क पाइप की एस्टेंट का जो होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, खास करके वो सेल के लिए था, लेकिन DRDO सेल सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगभग मॉडरेट टाइप का, इजी टाइप का ही क्वेश्चन आता है, तो आप पुराना प्लेलिस्ट में जा करके ये सारे चीज़ आप देख सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन रहेगा, परसेंटेज रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, प्रॉब्लम ऑन एज का ऊपर क्वेश्चन आता है और आगे भी आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज का ऊपर क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम का ऊपर जनरली क्वेश्चन आता ही है, एंड सिंप्लीफिकेशन। तो इतना सारा चीज़ रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर 25 मार्क्स के लिए आपको इतना सारा चीज़ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इजी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, खास करके सेल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है, आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिए हो सारा वीडियो को, तो आप सारा वीडियो एक बार देख लीजिए जा करके, चैनल में ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर मैं आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो है 25 मार्क्स आएगा, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड अदर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाटा सफिशियंसी का ऊपर क्वेश्चन आता है, लॉजिक का ऊपर आता है, पजल टेस्ट का ऊपर आता है, कोडिंग डिकोडिंग रहता है, एनालॉजी रहता है, क्लासिफिकेशन रहता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहता है, सीरीज कंप्लीशन यानी आपको न्यूमेरिकल सीरीज भी मिल जाएगा एज वेल एज अल्फाबेटिकल सीरीज भी मिल जाएगा, अल्फाबेटिकल टेस्ट रहता है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स रहता है, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल रहता है, नंबर सिस्टम रहता है इसमें, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर जनरली 2-3 क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप RRB देख लो चाहे आप DRDO देख लो, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का ऊपर भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, एनालॉजी, डिडक्शन, डिसीजन मेकिंग, एम्बेडेड फिगर के ऊपर जनरली क्वेश्चन आता है, 3 फिगर दिया रहेगा, चौथों में क्या होगा आपको बताना पड़ेगा, क्यूब एंड डाइस के ऊपर डिपेंड करता है जनरली, उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मिरर इमेज के ऊपर भी उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन आता है, आगे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारा चीज़ डिटेल्स, ठीक है। एरिथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, नॉन वर्बल सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों सारा चीज़ आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, 10th लेवल में आप प्रैक्टिस करिए, या तो फिर मैक्सिमम अगर आपको जाना है 12th लेवल तक आप जा सकते हैं, यानी CHSL लेवल तक आप जा सकते हैं, और हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे सारा चीज़ वीडियो, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन सामने आएगा हम लोग बहुत सारा चीज़ डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इसी चैनल में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का ऊपर टोटल 30 मार्क्स रहता है, यानी GK के ऊपर टोटल 30 मार्क्स रहता है इसमें जनरली क्या रहता है, पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी रहता है एंड गवर्नेंस रहता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट रहता है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, कल्चरल हेरिटेज इंडियन इसमें क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, लेकिन अगर आपका पास टाइम नहीं है तो वर्ल्ड को आप कैंसिल भी कर सकते हो, इंडिया का जियोग्राफी तो बहुत बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा आपको तो वर्ल्ड का भी आप देख लीजिएगा। इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है, अबाउट इंडिया हमारा देश का हर एक चीज़ का ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, करंट जनरल अवेयरनेस इसमें आपको GK भी रहेगा और कुछ करंट अफेयर्स भी हो सकता है, तो सारा चीज़ आपको अपडेटेड
रहना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तो इंडियन हिस्ट्री आपको बढ़िया से पढ़ना है, वर्ल्ड अगर आपको टाइम मिलेगा तो उसके बाद आप पढ़ सकते हो। तो इसमें जो है आप करंट अफेयर्स भी ऐड कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स दोनों मिला करके 30 मार्क्स रहेगा यहाँ पर, ठीक। देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है टॉपिक इंग्लिश टॉपिक, ठीक है। इंग्लिश का ऊपर टोटल 20 क्वेश्चन रहता है जनरली, तो इंग्लिश का 20 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये फिक्स तो नहीं है कि 20 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जनरली 20 क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो है दोस्तों इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए इसमें रहेगा कंप्रीहेंशन, ठीक है। कंप्रीहेंशन दिया जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन रहता है, वर्ब के ऊपर क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, एंटोनिम सिनोनिम्स रहता है, ये अनसीन पैसेज एक दिया जाएगा और उसके बाद वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रामर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एरर डिटेक्शन के बारे में तो क्वेश्चन रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन भी रहता है, टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, वोकैबुलरी रहता है, आइडियम्स एंड फ्रेज भी रहता है। तो इतना सारा चीज़ आपको कवर करके जाना है इंग्लिश के लिए, इसमें आपको 20 मार्क्स आएगा, 20 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जनरल साइंस एंड जनरल साइंस इसमें आप बोल सकते हो, करंट अफेयर्स तो जीके में आ जाएगा। तो जनरल साइंस के ऊपर दोस्तों 20 मार्क्स 20 मार्क्स आता है। इसमें आपको जो है SHM सिंपली हार्मोनिक मोशन का ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जनरल साइंस के ऊपर सिंपली हार्मोनिक मोशन का ऊपर क्वेश्चन आता है, ग्रेविटेशन का ऊपर क्वेश्चन आता है, फिजिक्स ऑफ गैसियस स्टेट का बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, DRDO सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, MS पावर पॉइंट, नॉलेज इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, काइनेमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट, MS वर्ड, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर, सारा चीज़ को लेकर के आपको नॉलेज होना चाहिए जनरल साइंस में। तो टोटल इसमें 20 क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल आपका 120 नंबर कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आगे भी बात करने वाले हैं, फिलहाल तो वीडियो इतना तक ही, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे DRDO रिलेटेड और भी बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारा टिप्स देंगे आपको। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसा ही एग्ज़ाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड न्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।